Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। श्लोक बेटा, मैं बाहर देख कर आती हूँ कि ये लाइट को क्या हो गया, और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मेरे रूम में आ जाना 103। ओके ब्रेव बॉय, आपके बाबा ठीक हो जाएंगे। आई एम सॉरी बाबा, आपकी अवस्था का कारण मैं हूँ ना, शायद इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैं आपको हमेशा निराश करता हूँ ना, मैं आपके बेटे बनने के लायक ही नहीं हूँ। काश बंटी और रोहन ने बाबा को बताया ही नहीं होता कि यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही, ना हम यहाँ आते और ना बाबा की तबीयत खराब होती। एक बात बताऊं, मास्टर जी कल चश्मिश से रनिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे। उस चश्मिश को लगता है कि वो जीत सकता है। अगली बार देखेंगे तो उसका चश्मा ही गायब कर देंगे, फिर देखते हैं कैसे जीतता है। अरे वो देखो, वो रहा चश्मिश। ये बोले ना, पंटी और रोहन हमेशा मेरा रास्ता कैसे काट देते हैं। पकड़ो। बस इतना ही तेज भाग सकता, जीतेगा कैसे चश्मेश। रोहन तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो आगे से मैं चश्मा मत तोड़ना। अच्छा चल रोहन, चैलेंज, अगर तूने अपना चश्मा बचा लिया तो तू जीता, अगर हमने तोड़ दिया तो हम जीते। बेटा आपकी बहस से मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब रूम में जाकर मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी सर दर्द की। ओहो अम्मी, आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, और वो तो आपके पास है। अच्छा दुआ को इसमें पार्ट लेना है, प्लीज 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 प्लीज। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं ना आपकी अम्मी आपसे क्यों नाराज है। पहले तो आपने मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर लाया, और उसके बाद जब भी कोई खेलने कूदने वाले काम करती है ना तो हमेशा अपने आप को चोट लगवाती है। याद है ना लास्ट टाइम आपने अपना हाथ फ्रैक्चर कर दिया था। नॉटी गर्ल। अल्लाह मियां देख रहे हैं ना, इतनी छोटी सी बच्ची पे इतना जुल्म किया जा रहा है। वो होली का है, होली से पहले उसे जलाया जाता है। मुझे देखना है प्लीज, आपने इससे पहले कभी देखा है?
आप ठीक हो? फिर से वही एहसास, जैसे इस बच्चे को ना जानते हुए भी परसों से जानती हूं मैं। आपने मुझे फिर से बचा लिया, उसके लिए धन्यवाद मासी। तुम सब क्यों इसे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हारे मम्मी पापा को कंप्लेन कर दूंगी। कौन से रूम में है तुम्हारे मम्मी पापा? नहीं नहीं आंटी, श्लोक तो हमारा दोस्त है, आगे से नहीं करेंगे। सॉरी श्लोक, चल चल। श्लोक बेटा, आप भी ना इन बदमाश बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हो। इन बच्चों को तो धत से जवाब देना चाहिए। मैं इनकी वजह से नहीं रो रहा। तो फिर हारने के डर से अगर हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही ना करें तो फिर वो तो गलत होगा ना। और अब आपको कैसे पता कि आप अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आप हार जाओगे और आपके बाबा आपसे गुस्सा हो जाएंगे? नहीं ना, आपको अपने आप को एक मौका जरूर देना चाहिए। तुम्हारे अब्बू तो खुद चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो। तुम्हारे अब्बू तो रॉक स्टार है। एक काम करते हैं, तुम्हारे अब्बू और मेरी अम्मी को एक्सचेंज कर लेते हैं। अम्मी को भी तो कुछ पता चले कि बच्चों को कैसे खेलने कूदने देते हैं। तुम बीच में ना बोलने का क्या लोगी? देखो श्लोक बेटा, जीतने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमने कोशिश की। हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं ना, हमें उसमें हमेशा अपना 100% देना चाहिए। और जीतना हारना तो बात की बात है, लेकिन आई एम श्योर जब आप कोशिश करेंगे ना तो आपके बाबा आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे। मुझे ये उछलना कूदना दौड़ना ऐसे मुझे पसंद ही नहीं है। कैसे पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत पसंद है। दुआ बेटा, मैं बात कर रही हूँ ना, नॉटी गर्ल। पता नहीं क्यों मुझ में शायद ये कला ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं? आपको पता है इंसान में कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर होता है, बस हमें उस टैलेंट को ढूंढना पड़ता है और अपना 100% देना होता है। आप भी ढूंढो, आप में भी जरूर कोई ना कोई टैलेंट होगा। पंडित जी नहीं आएंगे? अरे बिना पंडित जी के विधि कौन करवाएगा? विधि के श्लोक तो किसी को याद भी नहीं है, ये तो भगवान के अपमान करने के बराबर होगा। मैं करूंगा। तुम्हारी इस उम्र में ऐसे संस्कार देखकर बहुत अच्छा लगा। जीते रहो बेटे, खुश रहो। देखा, और आप मुझसे क्या कह रहे थे कि आपके पास कोई कला नहीं है, कोई टैलेंट नहीं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।